Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another English session of worksheet number 1, dated 5th July 2021. बच्चों, आज की वर्कशीट में हम नेम्स जानेंगे कुछ फ्रूट्स के यानी फलों के और कुछ वेजिटेबल्स के यानी सब्जियों के. सब्जियों के नाम जानेंगे, उनके स्पेलिंग्स जानेंगे, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिनके नाम आपको शायद हिंदी में पता ही होंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन. बेटा इसमें सबसे पहले है, क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम्स विद देयर पिक्चर्स, ऑल्सो कलर द पिक्चर्स. आपको क्या करना है, आपको ये पिक्चर्स बनानी है और इसके साथ आपको लाइंस डाल के बताना है. जैसे देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी लाइन दे रखी है. लेट मी चूज़ द सेम कलर विच इज़ बीन यूज्ड. जो पहले से कलर यूज़ किया हुआ है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ. पहले देखो, जो इन्होंने बताया कि जो वेजिटेबल्स हैं उसको इन्होंने ये वाली लाइन दिखा रखी है ना, यानी खीरा. खीरे को क्या कहते हैं, कुकम्बर कहते हैं, CUCUMBER, क्यूकम्बर. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये बनाना पे टिक कर रखा है जो फ्रूट है हमारा, और इसको रेड कलर से दिखाया हुआ है, और रेड कलर से हम भी दिखाते हैं तो बनाना ये दिखाया हुआ है इसने. बनाना, BANANA, बनाना, यानी जिसको आप हिंदी में केला भी कहते हो. तो लेट अस स्टार्ट दिस. जहाँ पे भी हमारे वेजिटेबल्स आएंगी वो हम ब्लू से मार्क करेंगे. जो हमारे फल होंगे यानी फ्रूट्स होंगे उनको हम मार्क करेंगे रेड कलर से. ओके, नाउ लेट अस सी. फर्स्ट हमारे पास एप्पल है. ए फॉर एप्पल आपने सबसे पहले नर्सरी में पढ़ा था, तो इट इज़ एप्पल. सो इट इज़ अ फ्रूट, तो मैंने इसे मार्क कर दिया रेड कलर से. एप्पल, एप्पल के स्पेलिंग होते हैं APPLE. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अनियन. अनियन हमें पता है वो क्या होता है, वो होते हैं वेजिटेबल. वेजिटेबल इज मार्क विद द ब्लू कलर. एंड वेयर इज़ द अनियन, प्याज कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ बेटा. अब इसको हमने मैच कर दिया, अनियन, ONION. नेक्स्ट है पोटैटो. पोटैटो यानी, पोटैटो का मतलब होता है आलू. तो आलू कहाँ है, ये रहा आलू, POTATO, पोटैटो. इसके स्पेलिंग देख लो बच्चों, POTATO. अब कहते हैं टोमेटो. टोमेटो की हिंदी होती है टमाटर. टमाटर को टोमेटो कहते हैं इंग्लिश में. तो टमाटर कहाँ है बेटा, ये रहा टमाटर. तो ये है, आपने मैच कर दिया TOMATO, टोमेटो को मैच कर दिया. अब लिखा है पीज़ यानी मटर. अब हमें पता है ये मटर है हमारे, तो हमने पीज़ को मैच कर दिया इसके साथ. फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्यूकम्बर, तो हमने पहले ही मैच कर लिया था. अब है पपाया. पपाया यानी पपीता. पपीता जो होता है वो होता है फ्रूट, तो हम इसको फ्रूट को मैच कर देते हैं, पपाया को मैच कर देते हैं यहाँ पे. तो ये हो गया PAPAYA. आपने ये वाला पपाया बनाना है, उसके नीचे ये स्पेलिंग्स लिखने हैं पपाया के स्पेलिंग्स, और इसको कलर भी करना है. ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर. ये देखो, ये रे अंगूर, आपने ऐसे अंगूर बनाने और नीचे लिखा है GRAPES, ग्रेप्स. ओके, और उसे कलर कर देना. बनाना आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, BANANA. ये जो है हमारा, ये केला कहलाता है. नेक्स्ट है वाटरमेलन. वाटरमेलन हमें पता है तरबूज को कहते हैं हम. तो ये रहा हमारे पास लास्ट का, हमने मैच कर दिया जिसको हमने लिख दिया वाटरमेलन. पहले उसकी फ़ोटो बनाई या पिक्चर बनाई, और उसके बाद उसे कलर करके उसमें नीचे लिख दिया वाटरमेलन. ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब इसमें उसने बोला है कि हमें कुछ फलों के नाम यानी फ्रूट्स के नेम, फल यानी फ्रूट्स होता है और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, जिसको आप हिंदी में कहते हो. तो अब क्या हुआ, फ्रूट्स जिसको हम एफ से बताएंगे, हमें यहाँ पे 6 फ्रूट्स के नाम लिखने हैं. ठीक है,
छह फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, तो हमने पता है ऊपर ही लिख दिए थे एक हमारे पास एक फ्रूट ये था, फिर दो तीन चार पांच फ्रूट्स यहाँ लिखे हुए हैं, एक और यहाँ पे बना भी हुआ है, हम इसको लिख देंगे, ये सिक्स फ्रूट्स हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्पल ए डबल पी एल ई, ठीक है। ये देखो ये है ना, इसके सामने फर्स्ट हमारा आ गया एप्पल, सेकंड आया पपाया पी ए पी ए वाई ए पपाया, उसके बाद नेक्स्ट आया ग्रेप्स जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आया बनाना, बनाना बी ए एन ए एन ए बनाना, फिर आया वाटरमेलन डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर, ठीक है, मेलन एम ई एल ओ एन मेलन, इसको हम तरबूज भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है वो है मैंगो, ये जो हम जिसको कहते हैं हिंदी में आम, एम ए एन जी ओ मैंगो, ठीक है। तो ये आपके सिक्स नेम्स हो गए जो कि आपके वेजिटेबल्स के नेम थे, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं कुछ हम लिखते हैं नेक्स्ट, अब हमारे पास है वेजिटेबल्स के नेम लिखने, क्योंकि अभी हमने फ्रूट्स के नेम्स लिखे थे, तो वेजिटेबल्स के नेम मैं ब्लू कलर से लिखूंगी, क्योंकि हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव लिखे हुए हैं ना नेम्स जो अभी हमने मैच करे थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ अनियन, ओ एन आई ओ एन अनियन, फिर लिखती हूँ पोटैटो पी ओ टी ए टी ओ पोटैटो, फिर है टोमेटो टी ओ एम ए टी ओ टोमेटो, फिर है पीज पी ई ए एस पीज, क्यूकम्बर सी यू एम सी ओ सी सी यू सी यू एम बी ई आर क्यूकम्बर, और उसके बाद आपने लिखा क्यूकम्बर के बाद कैरेट सी ए आर आर ओ टी कैरेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास छः जो हैं वेजिटेबल्स के नेम भी हो गए। अब नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों, नेक्स्ट ये है हमारे पास कुछ, हमारे पास यहाँ पर दे रखी हैं हमें पिक्चर्स, और उससे रिलेटेड हमारे को यहाँ पे नाम लिखना है इस पिक्चर का, यहाँ पर जो इंग्लिश नेम होता है। लेकिन उसके अलावा हमारी एक छोटी एक्सरसाइज और भी है इसमें, कि हमारे को उस नेम के कुछ पार्ट्स जो हैं, जो स्पेलिंग्स हैं, वो लिखे हुए हैं और बाकी हमने फिलअप करने हैं। तो लेट अस सी हमारे पास सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है हमारे पास कैरेट, कैरेट जिसको हम गाजर भी कहते हैं। तो कैरेट के स्पेलिंग क्या होते हैं, सी ए आर ओ टी कैरेट होता है, तो आप यहाँ लिख दो सी ए आर आर ओ टी कैरेट, ठीक है। अब ये क्या है, मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो होता है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर लिख दो मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गुआवा, गुआवा के स्पेलिंग क्या होते हैं, जी यू ए वी ए गुआवा, तो आप यहाँ लिख सकते हो जी यू ए वी ए गुआवा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कैबेज, कैबेज में क्या होता है, सी ए बी बी ए जी ई, तो आपका बन गया कैबेज सी ए बी बी ए जी ई कैबेज लिख दिया। फिर है जिंजर, जिसको हम अदरक भी कहते हैं हिंदी में, जिंजर के स्पेलिंग क्या होते हैं, जे जी आई एन जी ई आर जिंजर, यहाँ पर आप लिख सकते हो जी आई एन जी ई आर जिंजर, ठीक है। अब इसके अलावा ये क्या है, चेरी, चेरी के स्पेलिंग क्या होते हैं, सी एच ई आर आर वाई चेरी, तो आप यहाँ लिख सकते हो सी एच ई आर आर वाई चेरी। तो बच्चों ये आपने कुछ फ्रूट्स के नेम्स एंड वेजिटेबल्स के नेम्स आज पढ़े, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से इसको अपनी कॉपी में करना है, खूब कलरफुल बनाना है, ड्राइंग भी करनी है,
और उनके नाम भी याद करने हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में याद कर लो, स्पेलिंग सबके याद करने हैं और ये अच्छे से वर्कशीट करके आपने पोस्ट करनी है। ओके,